हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जीरोस एंड सिंगुलैरिटीज। सिंगुलैरिटीज के टाइप्स आपको बताऊंगा जिसके अंदर पोल्स भी कवर्ड होते हैं। तो अगर आप जीरोस एंड पोल्स सीखना चाहते हैं एनालिटिक फंक्शन के, किसी भी फंक्शन के जनरल भी, तो आप सीख सकते हैं इसी वीडियो से। तो स्टार्ट करता हूँ मैं जीरोस से। जीरोस, अगर मैं कहूँ लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन के लिए भी चलता है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ कॉम्प्लेक्स सीख रहे हैं, तो मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी है जो वीडियो इसको देख रहा है, तो जीरोज एंड सिंगुलैरिटीज रिमेन द सेम। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है या फिर नॉर्मल फंक्शन भी है, जीरोज वो वैल्यू है उस फंक्शन की, मान लो जेड नॉट, जिस पे वो फंक्शन जीरो हो जाए। मतलब मान लो अगर मैं कहूँ कि कुछ भी लेके जेड माइनस टू, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है ऑफ जेड, ठीक है। तो इसमें जेड की वैल्यू अगर मैं टू डाल दूं तो इस फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जीरो ऑफ फंक्शन इज टू, तो मैं कह सकता हूं टू इज अ जीरो ऑफ फंक्शन। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर नॉर्मल भी होता है, आपको याद है एक्स वाई में जब कोऑर्डिनेट्स की हम बात कर रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स की नहीं देखें, तो जहां भी वो वैल्यू जीरो करेगा, जो भी पॉइंट है, वो पॉइंट हमारा जीरो कहलाता है। तो ये सीधा यही है कि जो भी पॉइंट आपका इस फंक्शन को पूरे को जीरो कर दे, वो पॉइंट आपका जीरो ऑफ अ फंक्शन कहलाता है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। मान लो एक फंक्शन है मेरे पास जेड माइनस वन, जेड माइनस थ्री, ये फंक्शन है मेरे पास। अब इसमें मैं देखूं जेड की वैल्यू अगर वन डाल दूं तो पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जेड की वैल्यू अगर थ्री डाल दूं तो अभी मेरे पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वन और थ्री आर जीरोज ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर नॉर्मल भी है, कॉम्प्लेक्स नहीं देख रहे हैं, तो भी जीरो वही होता था। जीरो का कॉन्सेप्ट इधर कॉम्प्लेक्स में भी सेम रहता है अगर आपका एनालिटिक फंक्शन है तो। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप बाकी के वीडियोस जरूर चेक करें। जितने भी वीडियोस हैं आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए मैटर करता है। शेयर करें, हमें ग्रो करने में हेल्प करें, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक प्लीज हमें कमेंट के जरिए बताएं, या फिर अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं देखता हूं कि सिंगुलैरिटी क्या है मेरी। सबसे पहले खाली सिंगुलैरिटी समझूंगा, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी देखते हैं। सिंगुलैरिटी आपकी होती है, मान लो मेरा एक फंक्शन है एफ जेड, वो हर जगह हर पॉइंट पे एनालिटिक है, बट कहीं एक पॉइंट जेड नॉट ऐसा आता है जहां पर ये नॉन एनालिटिक हो जाता है, एनालिटिक नहीं रहता, ठीक है? तो वो पॉइंट हमारे होते हैं, दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलैरिटी। तो मैं कह सकता हूं अ पॉइंट जेड नॉट एट विच अ फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक इज नोन एज, इसको क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोल सकते हैं या फिर सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब ये जो सिंगुलैरिटी है आपकी चार तरह की हैं। एक है आइसोलेटेड, देन है रिमूवेबल, उसके बाद एसेंशियल, और उसके बाद आते हैं लास्ट में आपके पोल्स। तो अब मैं ये चारों भी आपसे डिस्कस करूंगा कि ये चारों हैं क्या। सो सबसे पहला है मेरा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इसको समझाने के लिए मैं लेट ले रहा हूं कि ये मेरा एक क्लोज्ड कर्व है, ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, ये मेरा एक क्लोज्ड कर्व है। और कोई फंक्शन है एफ जेड, मान लेते हैं,
दैट इज एनालिटिक, ठीक है, एनालिटिक है एवरीवेयर, लाइक ऑन द बाउंड्रीज एंड विद इन द लूप, बट एक पॉइंट ऐसा है कहीं जहां पर ये एनालिटिक नहीं है. तो इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट एक्सेप्ट जेड नॉट, मान लो वो पॉइंट यहां पर लाए करता है, ये पॉइंट है वो, तो मेरा जो फंक्शन है वो सब जगह एनालिटिक है, यहां अगल बगल में भी, बस इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं है. तो ये कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, कि एक एकाध एक दो सिंगुलैरिटीज हो सकती हैं भाई पूरे कर्व में, जहां सब जगह एनालिटिक हो रहा है, अड़ोस पड़ोस के सारे पॉइंटों में भी एनालिटिक है, यहां पर बस एक ये पॉइंट है जिसपे एनालिटिक नहीं है, तो वो पॉइंट मेरा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहलाता है. सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो. नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. सो नेक्स्ट है मेरा रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, जो कहता है इफ फंक्शन एफ जेड इज नॉट डिफाइंड एट जेड इक्वल टू जेड नॉट बट लिमिट एग्जिस्ट देन जेड इक्वल टू जेड नॉट इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. इसको आप ये समझिए कि मान लो मैं फंक्शन लेता हूं साइन जेड बाय जेड, तो आप देखेंगे कि जेड की वैल्यू अगर जीरो डाल दूं, ठीक है, तो एक सिंगुलैरिटी है ये, ठीक है, मेरी जो वैल्यू है जेड इक्वल टू जीरो पे, मतलब अगर जेड नॉट की वैल्यू जीरो डाल के मैं इसमें देखूं, तो यहां पर ये जो मेरा फंक्शन है वो डिफाइंड ही नहीं होगा. बट अगर मैं देखूं लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, तो अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पे, कोई ऐसा पॉइंट है मान लो, ठीक है, ये पॉइंट है जेड इक्वल टू जेड नॉट, ये फंक्शन मेरा डिफाइंड ही नहीं है. बट क्या होता है कि अगर मैं लिमिट डालूं उसी पॉइंट की, साइन जेड बाय जेड इसकी वैल्यू अब 1 आ रही है, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है. तो अब ये डिफाइंड है, तो ऐसी अगर सिंगुलैरिटी कभी आती है तो उसको बोला जाता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो. नेक्स्ट करते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी. सो नेक्स्ट है एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ये कहता है कि मान लीजिए एक फंक्शन है जो कंटेन करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो एक फंक्शन है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर उसमें कोई सिंगुलैरिटी आती है तो उसे हम एसेंशियल सिंगुलैरिटी कहते हैं. इसको आप समझिए एग्जांपल से. मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1 बाय जेड माइनस 1. अब इसको देखूंगा अगर मैं, तो इसको मैं आई कैन एक्सपेंड दिस एज 1 बाय जेड माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1 जेड माइनस 1 का होल क्यूब. ये कैसे एक्सपेंशन हो रहा है ये मैंने आपको फर्स्ट सेम में सिखाया था, आपको इसको दोबारा जाके, वैसे दोबारा जरूरत नहीं है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए सिखा रहा हूं. तो ये इस तरह से यहां पर नेगेटिव आएगा, एक्सपेंड हो जाएगा. अब आप देखेंगे ये जो है चलती जा रही है, एक जो मेरी सिंगुलैरिटी है, और इसको मैं हटा भी नहीं सकता क्योंकि इसका ऑर्डर बढ़ रहा है, कभी यहां पर ऑर्डर 3, यहां पर ऑर्डर 5, देन ये बढ़ता जाएगा. तो ऐसी अगर सिंगुलैरिटी आपके पास आती है उसको बोलते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी. आपको एक क्वेश्चंस भी मैं आगे कराऊंगा, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा इसी टॉपिक के, जीरो एंड सिंगुलैरिटी के, तो उसमें और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पहचानते हैं. सो नेक्स्ट है पोल. पोल एक ऐसी टाइप की सिंगुलैरिटी है जो मैं निकाल सकता हूं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द डेनोमिनेटर ऑफ फंक्शन इक्वल टू 0. तो मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है कुछ इस तरह से, -2z + 5z - 2. तो यहां पर पोल अगर मुझे इसका निकालना है, पोल एक सिंगुलैरिटी होती है, अगर इसका
फंक्शन का मुझे पोल निकालना है तो कुछ नहीं करना, डेनोमिनेटर को जेड माइनस टू को इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, तो जेड इक्वल टू टू पे मेरी सिंगुलैरिटी आ गई। तो मतलब अगर मान लो ये है तो यहाँ पर z इक्वल टू टू पे एक सिंगुलैरिटी रही होगी। ये सिर्फ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरा यूनिटी सर्कल है तो यहाँ पर रही होगी, हो सकता है कुछ और वैल्यू रही होती तो अंदर भी लाया कर सकती थी, तो ये डिपेंड करता है। और एग्जांपल आपके हो सकते हैं, ऑर्डर इसमें हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर ये है 4 डिवाइडेड बाय z माइनस 2 का क्यूब, तो यहाँ पर आपका z इक्वल टू 2 है पर उसका ऑर्डर कितना है, पोल का ऑर्डर 3 है, ठीक है। तो आपको ऑर्डर और पोल भी पता लग जाता है वो उससे कि कितनी बार वो अकर कर रहा है, ठीक है, या फिर कितनी बार उसकी पावर है, तो आप ये देख के बता सकते हैं कि ठीक है ये एक पोल है z इक्वल टू 2 ऑफ ऑर्डर 3। तो ये चीज आपको देखनी पड़ती है। सो अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूँ एक दो, तो आप वो देखिए समझिए किस तरह से चीजें होती हैं। सो ये मेरा न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल आपका आईपी में आया हुआ है पहले भी और आ जाता है, रिपीट हो जाता है कि फाइंड द टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन। तो ये मुझे फंक्शन दे दिया है, इसका मुझे टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी बताना है। अब टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी के लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देख लेता हूँ कि क्या है। अब इसको अगर देखूंगा तो 1 बाय जेड क्यूब एज इट इज रह सकता है बाहर, 1 माइनस इस चीज को एक्सपेंड कर सकता हूँ, ई रेस टू द पावर एक्स को एक्सपेंड करता हूं मैं तो आएगा 1 माइनस प्लस 2z प्लस 4z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 8z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आई होप ये आपको आता हो कैसे एक्सपेंड करा है। ई रेस टू द पावर एक्स को एक्सपेंड मैंने करा है 1 प्लस एक्स प्लस देन एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इसी तरह से क्यूब हो गया, फिर 4 हो जाएगा, पावर बढ़ती जाएगी, इस तरह से एक्सपेंड किया है मैंने। अब इसको देखूं तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर और जो z क्यूब है वो डिवाइड करता जाएगा। अगर इस चीज को देखूं और करूं तो मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2 बाय z स्क्वायर प्लस 2 बाय z प्लस 4 बाय 3 प्लस 2 बाय 3 z प्लस, क्योंकि z अब ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला कैंसिल आउट हो चुका है, नेगेटिव साइन मेरा बाहर रहेगा। अब मैंने इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करके देख लिया, अब मुझे देखना है सिंगुलैरिटी क्या है। सिंगुलैरिटी यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहां पर है एक z इक्वल टू जीरो, यहां पर भी है z इक्वल टू जीरो, तो एट पॉइंट जीरो पे है सिंगुलैरिटी मेरी, पोल है, पोल है, क्योंकि मुझे दिख रहा है सिंपल ये पोल है और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2। सो मुझे दिख रहा है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये चलती जा रही है चलती जा रही है, तो ये एसेंशियल नहीं हो सकती, ठीक है, आइसोलेटेड है नहीं, तो ये पोल बचा मेरे पास, पोल वो भी ऑर्डर 2, और रिमूवेबल थी वो तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि लिमिट्स का यहाँ कोई चक्कर नहीं है, तो आखिरी बचा पोल, पोल ऑफ ऑर्डर 2। इस तरह से मैं क्वेश्चंस करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।